इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से आ रही है, जहां श्रावस्ती के नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बहराइच से बलरामपुर नेशनल हाईवे 730 पर सोमवार को दोपहर में लोहारनपुरवा परी हॉस्पिटल के सामने दो बाइक सवार आमने सामने टक्कर होने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर स्थानीय के थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CSC इकौना में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर बहराइच के लिए रिफर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जनपद बहराइच के कोतवाली देहात थाना चिल्हरिया क्षेत्र अंतर्गत वंडैसा गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र महेश कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष सोमवार को दोपहर अपनी बहन के तिलक में शामिल होने के लिए नवीन मार्डन थाना श्रावस्ती ग्राम कल्याणपुर अपनी पत्नी को लेने बाइक से जा रहे थे। दूसरा बाइक चालक नवीन मार्डन थाना श्रावस्ती ग्राम मटवरिया गोपालपुर निवासी सुमित कुमार पुत्र कन्हैया लाल उम्र लगभग 20 वर्ष बाइक के तिलक में शामिल होने के लिए अपनी बहन को ग्राम टणवा महंत बाइक से विदाई करने जा रहा था। दोनों बाइक चालक बहराइच बलरामपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर ग्राम लोहारनपुरवा इकौना देहात परी हॉस्पिटल के निकट आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में गंभीर रूप से दोनों बाइक सवार घायल हो गए। घटना की सूचना पाते ही थाना इकौना के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को एम्बुलेंस से उठवाकर CSC में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद ट्रामा सेंटर बहराइच के लिए रिफर कर दिया गया था। दोनों बाइक सवार चालकों की हालत नाजुक बताई जा रही थी। वही आपको बता दें कि बहराइच से जैसे ही डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए एक युवक को रिफ़र किया, तभी उसकी रास्ते में ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि एक युवक की मौत हो गई है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है किस युवक की मौत हुई है, लेकिन एक युवक की दोनों बाइक सवारों में से एक युवक की मौत हो गई है। ये कभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से रही, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। वहीं एक युवक अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।